बंटवारे पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। और अब खबर है कि मुंबई के बीकेसी में एक होटल में एमवीए नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें मुंबई की सीटों को लेकर चर्चा हुई। इसमें मुंबई की 36 सीटों पर लगभग सहमति बन गई है, सिर्फ आधा दर्जन सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, जिस पर सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। एमवीए की बैठक में शिवसेना यूबीटी ने 20 से 22 सीटों का प्रस्ताव रखा है। एनसीपी शरद पवार ने 5 से 7 सीट को लेकर दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने 13 से 15 सीटों पर प्रस्ताव रखा है। एमवीए नेताओं ने बताया कि अगर तीनों पार्टियों की दावेदारी वाली सीटों को भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 41 होती है, यानी सिर्फ आधा दर्जन सीटों पर ही पेंच है। उम्मीद है कि ये जल्दी ही सुलझ जाएगा। ये साफ है कि मुंबई की अधिकांश सीटों पर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से मराठवाड़ा में शरद पवार की एनसीपी को ज्यादा सीटें लड़ने के लिए दी जाएंगी, जबकि विदर्भ रीजन में कांग्रेस के उम्मीदवार ज्यादा होंगे। मुंबई की सीटों पर सहमति बनाने के बाद दूसरे रीजन में भी सहमति बनाने की कोशिश तेज कर दी जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से ही एमवीए के नेता बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में एमवीए गठबंधन आसानी से 2/3 सीटें हासिल करने में कामयाब रहेगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कुछ समय के लिए टलवा भी सकती है।